नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं आयरिस रिहान ब्रॉडवे ऑपरेशनल हाई स्ट्रीट रिटेल सेक्टर 85-86 न्यू गुड़गांव। आयरिस रिहान ब्रॉडवे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये 2.8 एकड़ का तीन पार्ट में डिवाइडेड हाई स्ट्रीट रिटेल है, जो कि फुली ऑपरेशनल है, फुली लीज्ड है। और जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसमें आपको -3 लेवल पार्किंग मिलती है, और उसके बाद लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक रिटेल रहेगा। और थर्ड फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक ये आपके सर्विस अपार्टमेंट रहेंगे। इसमें रिटेल 45 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू है, और सर्विस अपार्टमेंट 81 लाख रुपए से यहाँ आपको मिलता है। और ऑलरेडी इस पूरे हाई स्ट्रीट रिटेल की लीज हो चुकी है और ऑपरेशनल है, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पिज्जा हट, KFC, डोमिनोज, चायोस, हल्दीराम, सैमसंग जैसे ब्रांड यहाँ ऑपरेशनल है। उसी तरह ही इसके सर्विस अपार्टमेंट में सरोवर होटल और रिजॉर्ट के साथ इसकी ऑलरेडी लीज हो चुकी है और सर्विस अपार्टमेंट का फिट आउट चल रहा है। इसके साथ ही दूसरा पार्ट आता है, जिसमें HDFC बैंक, स्टारबक्स कैफे और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड है। इसके अलावा थर्ड पार्ट आता है, इसका थर्ड पार्ट टाटा क्रोमा के साथ ऑलरेडी लीज आउट है और ऑपरेशनल है, जिसमें देखिए कोई भी एक पार्ट ऐसा नहीं है कि जो डेड लोकेशन हो या लीज पे चढ़ा ना हो, या अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रेंटल ना आए। और तीनों पार्ट ही अपने आप में शेयरमुखी प्लॉट हैं, इसीलिए कमर्शियल में शेयरमुखी प्लॉट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या सो कॉल्ड ये बिल्डर्स के एम्प्लॉय, जब भी आपको कोई डील बेचने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बड़ा चला कर करते हैं, मानो ये आखिरी प्रोजेक्ट है दुनिया का, इसके बाद शायद कुछ और आएगा नहीं, या अगर आप इस प्रोडक्ट में डील नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप पेमेंट क्लियर कर देते हैं और उसके बाद कभी आपको आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत पड़ती है, लाइक उस प्रोडक्ट को रीसेल करना है या लीज आउट करना है, या कभी आपको पैसे की इमरजेंसी आती है, ये लोग कभी आपका सहयोग नहीं करते, उल्टा आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन इस रियल एस्टेट मार्केट की ये एक सबसे कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों को ये चेतावनी देता हूँ कि आप बिना किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। और जब भी आप किसी एक अच्छे रियल एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा, क्या कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने पर वो आपका सहयोग करेगा या आपकी मजबूरी का नजायज फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।